गिरिडीह डुमरी रोड के बराकर नदी तट स्थित चंद्रप्रभु मंदिर के लोकार्पण के दूसरे दिन भी मंदिर परिसर में अध्यात्म की गंगा बहती रही। रोम रोम को पुलकित और मन को शांत रखने वाले अनुष्ठान किए गए, जिसमें शामिल होने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठक भी हजारों की संख्या में आए। इस दौरान झारखंड भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता सह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ हुए धार्मिक अनुष्ठान में दोनों सांसद शामिल हुए। मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि खुद सीएम हेमंत सोरेन जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वो पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और पहाड़िया जनजाति के लिए जाना जाता है। सीएम हेमंत सोरेन को खुद सामने आकर कहना चाहिए कि पहाड़िया जनजाति के कितने लाभुकों को वो केंद्र सरकार के पीएम आवास योजना दिला सके हैं। इधर चंद्रप्रभु मंदिर में हुए अनुष्ठान में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, नवीन सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हम पूरे ट्रस्ट के आभारी हैं और यहाँ आकर लगा कि इस देश की सभ्यता संस्कृति यदि बची हुई है, हम लोग यदि बचे हुए हैं तो उसमें और उसमें दान देने वाले लोगों को उस परिवार ने जो कुछ उनको जो है मिट्टी मिट्टी बालू मिट्टी ट्रांसफर पूछती है, जो नक्सलवादी गतिविधियाँ हैं, जो जेलों से जो अमन साहू गैंग ऑपरेट कर रहा है उससे फुर्सत है क्या? आपको पता है ना कि ईडी की जब रेड हुई रांची के जेल में तो सभी लोग जो उनके अमित अग्रवाल हैं, अमित अग्रवाल व्यापारी नहीं है, जो प्रेम प्रकाश है वो व्यापारी नहीं है, सभी माफिया के साथ जो मिलकर वो सरकार चला रहे हैं, झारखंड के बाहरी लोगों के साथ जो सरकार चला रहे हैं और पैसे का जो बंदर बांट कर रहे हैं उसके आधार पर उनको लगता है कि चूँकि राज्य लुटा देना है और राज्य लूटने के लिए जो है उनको और पैसे की आवश्यकता है, जिस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे, पीएमजीएसवाई के रोड नहीं बन पा रहे, मनरेगा के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी की सेविकाएं जो है रोड पर, सर्व शिक्षा अभियान में जो है माननीय मंत्री जी बगल में बैठी हुई है लगातार देने को तैयार है, जब आप जमीन नहीं दीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहती है सरकार, काफ़ी स्कूलों में जो है मॉडल विद्यालय के लिए पीएम श्री विद्यालय के लिए कितने पैसे दिए बगल में बैठी हुई, आपको कोई काम तो करना नहीं है, तो आपको क्या काम करना है? झूठ का जो है एक बजट बनाना है, पैसा लेना है और उसके बाद उसको सिंगापुर और लंदन भेज देना है। मैं कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इसका आप जानने का समय निकट आया है। इंतजार ड्राइवर अधिकारी की बात कर रहे हैं, मैं और बाबूलाल मरांडी जी एक प्रखंड में गए जो उनका खुद का जो विधानसभा है सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी में मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूँ और मैं पूरे देश के मीडिया को चैलेंज करता हूँ, इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन, कि वर्षों से जेएमएम वहाँ का एमएलए है, एमपी और खुद मुख्यमंत्री वहाँ से 10 साल से एमएलए है, कम से कम 50 पहाड़िया के ऐसे गांव हैं सुंदर पहाड़ी में कि जाने का रास्ता नहीं है, मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं, कम से कम 25 बच्चे मर गए, एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं है। यदि एक भी प्रधानमंत्री आवास होगा, यदि एक भी सरकार की योजना राज्य सरकार की योजना गई होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जब अपने विधानसभा का ये हाल है, ट्राइबल पहाड़िया पीटीजी जो प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप है पहाड़िया, जब उसके लिए वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो किस आदिवासियों की वो बात करते हैं? वो एक व्यापारी है, व्यापारियों को साथ देते हैं आदित्य अग्रवाल और प्रेम प्रकाश जैसे माफिया उनके सहयोगी हैं और उनके जाने का समय आ गया। सरकार को चिंता किसी की नहीं है, ये सरकार जैसा कि अभी ये सिर्फ तहसीली में लगी हुई है, ये अधिकारी नहीं रखते हैं बल्कि ये अपने तहसीलदार रखते हैं, कैसे लगातार वहाँ से धनबाद की बात कर रहे हैं, कोयला लुटा रहा है और वहाँ से लोग इनको हर एक दिन पैसा इनको भेज रहे हैं, सुनने वाला देखने वाला नहीं, सरकार की सिर्फ और सिर्फ मानसिकता राज्य को लूटो और अपने परिवार के बीच बांटो, यही इसके प्रांत कार्यक्रम में हम शुभकामना देते हैं कि और बहुत अच्छे ढंग से मोक्ष परिवार की ओर से यहाँ पे जो बहुत अच्छे और यहाँ से लोगों को भी फायदा मिलेगा, लोगों का आना जाना होगा, तो निश्चित रूप से जब भी कोई तीर्थ स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में घोषित होता है तो उसमें आसपास के लोगों को काफ़ी फायदा होता है और शुभकामनाएं हैं हमारी, इन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।